अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको चिकन पॉप्स बनाने का तरीका बताएंगे। ये बड़े टेस्टी, बड़े इजी और घर में बन जाते हैं आसानी से। इसके लिए हमें आधा ब्रेस्ट पीस लिया है, उसके साथ हमें एक चम्मच छोटा नमक का, थोड़ी सी हल्दी, एक ही टीस्पून काली मिर्च और एक ही टीस्पून हमने कुटी हुई मिर्च ली है, एक टेबलस्पून सिरका और सोया सॉस लिया है और इसको मैरिनेट करेंगे। इसके बाद हम इसको मैदा, ये 4 टेबलस्पून लिए हैं और 2 कॉर्नफ्लोर के चम्मच लिए हैं और एक ही चम्मच हमने बेसन का लिया है। बेसन से इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा आ जाता है और कलर भी बड़ा अच्छा आता है। सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे चिकन को। अब हमने सारे मसाले इसमें डाल के और इसको मैरिनेट करके तकरीबन 10 से 15 मिनट फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको दोबारा, तो इंशाल्लाह भी इसको हम 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा इसको हम फ्राई करने के लिए, ये तैयार हो जाएगा और इसको हम आपको फिर बनाते हुए दिखाते हैं। अब तकरीबन चिकन को मैरिनेट हुए 10 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हमने ये जो कॉर्नफ्लोर, मैदा और एक चम्मच बेसन था, इसको हमने मिक्स कर लिया। एक अंडा हमने तोड़ लिया। अब इसमें हम चिकन को इसके साथ मैरिनेट करेंगे और इसको एक प्लेट में हम अलहदा निकाल कर रखते जाएंगे। पहले हम अंडा अच्छी तरह बीट कर लेते हैं। पहले चिकन के पीस को अंडे में डिप करेंगे, फिर उसके बाद मैदे के मिक्सचर में, और उसको हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह हम सारे पीस मैदे में डिप करके एक प्लेट में लगाते जाएंगे। हाँ जी, ये देखें, ये अब हमने सारे चिकन को कोटिंग कर दिया मैदे की। अब हम इसे एक एक करके ऑयल में डालेंगे। ऑयल मीडियम हीट पर गरम कर लिया हमने। इन चिकन के पीसेस को डालने के बाद आपने चम्मच से इनको हिलाना नहीं है। तकरीबन 5 मिनट ये इसी तरह ही कढ़ाई में रहेंगे, फिर हम इनको चम्मच के साथ हिलाएंगे। अगर फौरन हिला दें तो मैदा इसके ऊपर से उतर जाता है और इसके क्रम्स नहीं बनते। सारे हमने इसमें डाल दिए ऑयल में। अब हमने इस फौरन चम्मच नहीं लाना। देखिए व्यूअर्स, अब ये तकरीबन 5 मिनट हो गए इनको बनते हुए। इनका कलर अभी थोड़ा सा लाइट है, ये थोड़ा सा और डार्क हो जाए, तकरीबन 2-4 मिनट और इसको रखते हैं। और इसके क्रम्स देखिए कितने अच्छे बन गए हैं, उतरा मैदा इनसे उतरा भी नहीं, क्योंकि इसमें हमने चम्मच इनको डालते हुए नहीं चलाया था। तकरीबन 5 मिनट बाद हमने इनको हिलाया था। अभी आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, इनका कलर थोड़ा सा डार्क होना शुरू हो गया। अभी थोड़ा सा और डार्क हो जाए तो हम इसको निकाल देंगे और जो बाकी हमारे बच्चे थे उनको भी हमने मैदा लगा कर तैयार करके यहाँ पर रख लिया है। जैसे इनको निकालेंगे हम उनको ऑयल में डाल देंगे। अभी देखिए ये बहुत प्यारा कलर आ गया इनका। अब हम इनको निकाल लेते हैं एक बाउल में।